अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास फोर, होप सो यू आर ऑल फाइन। बच्चों, हम लोग कंप्यूटर का चैप्टर पढ़ रहे थे अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन के बारे में, जिसमें हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे कि हम स्लाइड बनाते हुए क्या क्या चीज़ें और क्या क्या टैब्स जो हैं उनका यूज़ करके अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको खूबसूरत बना सकते हैं। नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। वी यूज़ कमांड्स ऑन द डिज़ाइन टैब टू अप्लाई बैकग्राउंड डिज़ाइंस। हम कमांड डिज़ाइन टैब होती है एक, ठीक है, पावर पॉइंट पर जब हम उसे यूज़ करके अपने जो भी डिज़ाइंस होते हैं उनके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, कलर को, फॉन्ट को एंड स्पेशल इफ़ेक्ट्स टू द एंटायर प्रेजेंटेशन, ठीक है, और जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं। स्लाइड ओरिएंटेशन गिव अस द ऑप्शन टू हैव स्लाइड्स इन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ओरिएंटेशन। जो स्लाइड ओरिएंटेशन होती है ना, मतलब स्लाइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, हम उस पर पिक्चर की फॉर्म में और रिटन फॉर्म में भी जो है वो अपनी स्लाइड पोर्ट्रेट बना सकते हैं, एक अपना लैंडस्केप मीन्स एक के बाद एक जो है वो ओरिएंटेशन पेश कर सकते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन रेफर्स टू द मैनर, एक यहाँ पर ट्रांजिशन का भी ऑप्शन होता है, हाँ, वो हमें किस स्लाइड के बारे में बताता है, वो हमें इस मैनर के बारे में बताता है, इन विच वन स्लाइड मूव्स टू द नेक्स्ट, जिसमें एक स्लाइड दूसरी स्लाइड की तरफ मूव करते हुए कौन सा मैनर और कौन सा जो है वो स्टाइल चूज़ करती है जो कि हम लोग प्रेजेंटेशन में अप्लाई करते हैं। द आइकन्स ऑन द ट्रांजिशन टैब एनेबल अस टू अप्लाई ट्रांजिशंस बिटवीन स्लाइड्स। तो क्या होते हैं, जो आइकन्स होते हैं ना ट्रांजिशन टैब में, वो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकें मुख्तलिफ स्लाइड्स पर मुख्तलिफ तरह से सामने आने के लिए। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल वे में भी ट्रांजिशंस करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट है द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब कंटेन्स फीचर्स डेट एनेबल अस टू अप्लाई सिंपल एज वेल एज कस्टम मेड एनिमेशन इफ़ेक्ट्स। तो क्या होता है, हम इसमें एनिमेशन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास टैब होती है एनिमेशन की, जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपल और आसान से जो है एनिमेशन इफ़ेक्ट्स को। वी कैन एडजस्ट द सेटिंग फॉर द एनिमेशन इफ़ेक्ट्स फ्राम द एडवांस एनिमेशन एंड टाइमिंग ग्रुप। हम लोगों ने जो सेटिंग करनी होती है ना अपनी एनिमेशन के इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है, वो हम एडवांस एनिमेशन से करते हैं या टाइमिंग जो हमारे पास ग्रुप हैं उनसे करते हैं। जैसा कि हम किसी एनिमेशन में कोई स्टार्स वगैरह हैं उनको यूज़ करना है, या हमने अपनी जो स्लाइड है उसको फ्लाइंग करना है, मतलब डिफरेंट स्टाइल में ना उसे यूज़ करना, उसको डिफरेंट शेप देनी है, व्हील टाइप में जो है वो उसे प्रेजेंट करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एनिमेशन टैब में आ जाती हैं। चलाएँ अब प्रैक्टिकल थोड़ा सा वर्क करते हैं इसका। सो क्लास, अब हम लोग आ गए हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। सो इधर हम राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन होगा, उसे ओपन करेंगे और इसमें हमारे पास ये देखें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, देन हमारे पास एक ही इस फॉर्म में आ जाएगी, इसे हम ओपन करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऐप जो है वो खुल गई है। ये जो आपको बताई थी ना डिज़ाइन ऐप क्लास, ये देखिए ये रहा डिज़ाइन लिखा हुआ। ये डिज़ाइन टैब पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो डिफरेंट डिज़ाइन में जो हमारे पास एनिमेशन है वो खुल आएगी। ये देखिए हमारे पास डिफरेंट चूज़ कर सकते हैं हम इसके डिज़ाइन टैब को, ठीक है, और ये देखिए ये हम अपने उसके लिहाज से चॉइस के हिसाब से इन्हें चूज़ कर सकते हैं। देन ये देखिए साइड पर ये कलर, हमने कहा था कि हम कलर वगैरह भी जो है अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, ये वो। देन फॉन्ट साइज़, फॉन्ट साइज़ क्या होगा, ये देखें डिफरेंट फॉन्ट साइज़ हैं, ये ठीक है, ये चेंज होते जाएंगे आपकी विशेष के मुताबिक। देन लास्ट पे इफ़ेक्ट, अगर हम कोई देना चाहते हैं ऑफिस का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं या हम लोग क्लैरिटी का देना चाहते हैं, तो ये हमारी स्लाइड्स को और भी अच्छा बनाएगा। देन हम लोगों ने क्लास पढ़ा था ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशन टैब देखिए, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब हमारे पास ये फेड में आएगी कि हम अपनी किस तरह से स्लाइड को शॉर्ट करना चाहते हैं। अगर हम ये पुश वाली क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो सेकंड स्लाइड आएगी वो इस तरह से आएगी, ठीक है, ये डिफरेंट वेज है।